गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज एक स्पेशल डे है क्योंकि वी आर गोइंग टू विजिट माता वैष्णो देवी श्राइन। सो जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। तो कनिष्क, अनुष्का, सलोनी और मैं पहुंच चुके हैं अम्बाला छावनी। तो आइए आपको दिखाते हैं रास्ता माता वैष्णो देवी श्राइन। जय माता दी। जय माता। इसलिए भी ये टूर एक्साइटिंग है बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। सो वेट कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जब आती है आपको दिखाता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग ट्रेन्स फ्रॉम इंडियन रेलवेज। सो लेट्स सी, द एक्सपेक्टेड टाइम इज 8:12 फ्रॉम अम्बाला कैंट। इंटीरियर ऑफ द ट्रेन सामने आ रहा है कि 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। वाटर बॉटल साथ में मिलती है ट्रेन में। दिस इज नीर। नीचे चार्जिंग के लिए एक स्लॉट दे रखा है। ये ब्रेकफास्ट है, इसमें चपाती है और कर्ड है, ब्रिटानिया का केक है, पिकल है, सैंडविच है और कटलेट्स हैं इसमें, कटलेट्स एंड एप्पल जूस। सो कुल मिला के ठीक लग रहा है। साथ में ये चाय का मसाला है। सो सीम्स टू बी अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। वंदे भारत में जो लंच प्रोवाइड किया गया है उसमें कर्ड है, आलू की सब्जी है, चावल है, दाल है और पनीर है और कुछ चपाती है अचार के साथ। तो दोस्तों निर्धारित समय पे वंदे भारत पे पहुंच गए हैं कटरा। यहाँ पे ट्रेन के पहुँचने का समय था 2:15।
तो दोस्तों रेलवे स्टेशन कटरा पे श्राइन बोर्ड की तरफ से एक काउंटर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहाँ पे RFID बेस्ड यात्री रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो ये कार्ड लेके ही अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। तो बड़ा कन्वीनियंट वे है, इस काउंटर पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और आधार कार्ड दिखा के आप ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो RFID कार्ड ये जाते हुए लेके जाओगे। 6 घंटे के अंदर अंदर बाणगंगा से क्रॉस करना होता है और वापसी में यात्रा की दिस कार्ड हैज़ टू बी रिटर्न्ड एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की तरफ से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस, फूड स्टेशन एंड शॉपिंग लॉज, इनकी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। से दोस्तों क्लॉक रूम है, यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को विजिट करने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालु अपना एक्स्ट्रा लगेज यहाँ पे जमा करवा के आगे यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। 8-10 जय माता दी, जोर से बोलो। प्यारे दोस्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए कटरा पहुँचे थे। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए पिंडी रूप में, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही पिंडियों के और दोनों गुफाओं के बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हुए। लेकिन एक महात्म जो आपसे डिस्कस करना चाहता था वो ये था कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात एक मान्यता है कि अगर ये सारी यात्रा का फल यात्री चाहते हैं तो उन्हें बाबा भैरवनाथ के भी मंदिर के दर्शन करने होते हैं। तो इसके पीछे मिथ्योलॉजी है कि श्रीधर माता जी को पूजने वाला एक अनुयायी था। माता के कहने पर उन्होंने पूरे गांव को गांव के लिए भोज आयोजित किया, जिसमें भोज में बाबा गोरखनाथ और बाबा भैरवनाथ उनके अनुयायी थे।
उनको भी भोजन में बुलाया गया। तब माता ने अपने बाल रूप में जो जो भी अतिथि गण आए थे उनको वही खाना परोसा जो वो चाहते थे। उनके पास एक मैजिकल यूटेंसिल बोल सकते हैं कि वो था। तो कहते हैं कि मिथोलॉजी ये कहती है कि बाबा गोरखनाथ के अनुयायी बाबा भैरवनाथ ने मांस और मदिरा की डिमांड की। माता ने उन्हें बड़ा समझाया लेकिन जब बाबा नहीं माने, भैरवनाथ वो नहीं माने, तो उन्होंने माता का हाथ पकड़ने की चेष्टा की तो माता वहाँ से निकल गई और गर्भजून आप जानते हो और जो मेन गुफा है वो काफ़ी देर तक 9 महीने तक कम से कम मतलब अवॉइड करती रही कि कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन जब भैरवनाथ नहीं माने तो माता वैष्णो ने उनका वध कर दिया। और ये कहा जाता है कि जहाँ पे बाबा भैरवनाथ का सिर कट के गिरा वहाँ पे आज उनका भव्य मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊँगा, ये मंदिर है पीछे मेरे बाबा भैरवनाथ का। और आप भी जब भी कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएँ तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करने आए, तभी मान्यता है कि ये यात्रा का संपूर्ण फल मिलेगा। धन्यवाद। माँ का मिल रहा है जलेबी।